पानी तो बहु प्रकार की जाता जीना, पानी जो है अनेक प्रकार की है। महापुरुषों ने साहेब ने इतनी वाणी कथी जितना बालू बताया, साहेब ने इतनी वाणी का कथन साहेब ने जी हो रहे हो माइक पे जी। और कितने ऐसे ऐसे मारे महापुरुषों ने इतना पानियों का कथन बहुत ही अच्छी प्रकार से सुंदर ढंग से किया। जिंदा बोध में गरीब साहब जी ने बहुत ही अच्छी, अभी मिंटू ने दो छंद साहब जी के सुनाए हैं बहुत ही अच्छे सुंदर, और वाणी भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया नर्तन मोल जीवन आकर के याद करने। ये नर जो है जन्म बहुत ही अच्छा जन्म है मानुष तन, साहब ने बताया है बीजक में लिखा है मानुष तन दुर्लभ है मिले नहीं कहू बार, मानुष तन दुर्लभ है मिले नहीं कहू बार, पक्का फल जो गिरे बहुने लागे। ये मानव जो चोला मानव जो हीरा जन्म हमें मिला है, कुछ कार्य करने के लिए मिला है, कुछ पकड़ने के लिए मिला है, कुछ छोड़ने के लिए। सत्संग में आते हैं कुछ अपनी बुराइयों को छोड़ करके हमें आ जाना चाहिए उसी का नाम से, क्योंकि बताया सत्संग में बुद्धि बढ़े जो झाड़ ओट में घास तू संगत में बैठ कर रोज। ये सत्संग इसीलिए महापुरुषों ने उनकी जय हो कोटि कोटि उनके नमन चरणों में नमन करता हूं कि उन्होंने ये रास्ता में दिखाया बताया कि भाई तुम्हारा कल्याण में हो सके और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि और तो सब जो है ब्राह्मणवाद रूढ़िवाद तुम्हारे पीछे लग रहे हाथों कपड़ रहे मठ मंदिर बना कर खड़े कर लिए तमन उठने के नाम के, कहीं भी आपको जो है रास्ता नहीं मिला। परंतु महापुरुषों ने एक ऐसा सरल रास्ता ही हमें सत्संग का दिया है, इसी में आकर के जीव का कल्याण। मानुष तन को उपाय कर चूके आपकी घात, साहब कहते हैं मानुष तन को उपाय कर चूके आपकी घात, जाई पड़े रहो चक्र में सहरी, अगर अब चूक लग गई और जन्म तेरे आएंगे बतेरे, और जन्म तेरे आएंगे बतेरे, मानुष जन्म दुवेला है सुनियो संत सुजान संत। इसलिए प्रेमियों हमें सत्संग का जो है भाव रखना चाहिए, और तुलसीदास जी ने तो बिल्कुल ही सोच किया है सत्संग की आधी घड़ी आधी की दुनिया तुलसी संगत साधकी। तुलसीदास जी ने तो बिल्कुल ही बहुत ही सोच किया। अरे भाई इन बच्चों को धमकाइए, सारी रात हो जाती है सत्संग, धमकाइए इन बच्चों को। और अभी कहा महाराज जी आ भी आपके सामने बता के गए हैं कहनी की रह गई, कहनी की रह गई, हमारी जितनी कहनी है उतनी हमारी रहनी है, तभी हमारा भला हो सकता है, अन्यथा हमारा भला हो सकता है। क्यों भाई जोगीदास जी गलत, तभी होगा हमारा भला, अन्य हमारा भला बढ़ा बढ़ा कहने कहने से नहीं बढ़ने, हमें कुछ कार्य करना, जब तक हम कुछ कार्य नहीं करेंगे हमारा भला नहीं, हमारा कल्याण नहीं, हमें बहुत बुराइयां छोड़नी पड़ेगी। दस दोष है तन मन वचन के गुरु इन्हें समझाते हैं, जो रन का त्याग करण समय प्रथम पहली पैड़ी है और साधु दस दोष की है सबसे प्रथम, इनका त्याग कर लो अगर कोई स्टेज करत करत अभ्यास के जड़ी मत, हम अभ्यास करते रहे प्रगति कल करते रहे चलते रहे आगे बढ़ते रहे, अपने मार्ग को ना छोड़ते, अपने निशाने को ना छोड़ते, अपने लक्ष्य को ना छोड़ते, जो हमारा लक्ष्य है जो महापुरुषों ने हमें निशाना बताया लक्ष्य बताया वो हम ना छोड़ते, अपनी मर्यादा को ना छोड़ते, अपनी रहनी को मर्यादा बिना बल्कि ना डूब जा दोनों सेवक हो दोनों डूब जाते, सेवक हो चाहे बिना मर्यादा के दोनों, तो ऐसे हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। रविदास जी ने भी कहा महापुरुषों सभी ने कहा मर्यादा भी बता सब बता रहे थे, वे रविदास जी की वाणी गा रहे थे समझ बिन आ रहे कैसे बता रहे थे ना 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 वो उनकी दूसरी वाणी बता रहे थे वो तो थी हाँ, तो ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। देखो सभी एक साथ ही गावे हैं रविदास जी, हरी सा हीरा छाड़ के करे गावे नहीं करते, परंतु उसके निर्णय नहीं कर पाते जावा संकेत करी क्या सारा करी। रविदास जी ने बताया इशारा किया
हरीसा हीरा छाड़ के करे आन की आस दूसरे की आस जो तू लगाओ बेटा तेरा भला जी हरीसा हीरा छाड़ के करे आन की आस ते ही नहीं हम पुर जाइए सत बात है उन्हें डर लगे वे डरे उन्हें हम पकड़े जो गुरु गुरु के लाल नहीं जो गुरु से दूर है जो उनकी बाणी का उनके चांदनी उनको डर चलते काल के ठोकर मारे यम कहलाते फांसी संतों में भी संतों का तय स्वभाव बोलिए सतगुरु देव की मैं आपका समय ज्यादा नहीं मोलू देखो मैं कोशिश करूं जो चला था बाड़ी कैसे सुनाओ बताओ योगीदास जी बोल ना बस सुनाइयो सतगुरु मऊ बंधन पारे ये जग रेस न खाया संसार में हे हम सब दुखी इस Thank you.
किया गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रेम योग तुझे जो है ना भोगने पर